आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेकअप। मेकअप को आप 5 तरीके से आप उतार सकती हैं। मेकअप करना अच्छी बात है, लेकिन मेकअप ना उतारने की वजह से पिंपल्स हो जाएंगे। और जब भी आप मेकअप, जैसे मैं भी कर रखी हूँ इस तरीके से, आप जब भी आप मेकअप करते हैं तो प्लीज़ डीप क्लीजिंग किया कीजिए। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो मैं अभी एक एक करके लाइव में दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी फेशियल वाइप। ये काफ़ी अच्छे होते हैं और इसके प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे और बहुत ईजिली ये भी निकलते हैं, तो ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत सही लगता है और ये निकालने से आपके मेकअप एक स्वैप में ही निकल जाता है। आप ये भी ट्राई कर सकती हैं फेशियल वाइप। अगर चलिए मैं आपको अभी डेमो करके दिखाती हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से अपनी मेकअप को निकालना है, ठीक है। जैसे मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट, क्लीजिंग मिल्क। क्लीजिंग मिल्क से भी आप अपने मेकअप को निकाल सकती हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। आपको कुछ इस तरीके से आपका हाथ में लेना होता है, फिर आपको अपने फेस से पूरा निकाल देना होता है। कुछ देर 5 मिनट तक आप मसाज देंगी तो आपके फेस से ये मेकअप उतर जाएगा। नेक्स्ट आती है ऑयल। ऑयल भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने मेकअप को उतारने का, लेकिन इससे थोड़ा मेशी हो जाता है, लेकिन इससे भी आपके मेकअप उतर जाते हैं। तो आप इसी तरीके से आपको फेस पे अप्लाई करना है। कुछ इसके बूंदे आप ले लीजिएगा, 4-5 ड्रॉप्स उसके फेस पे अप्लाई करके पूरे अच्छी तरीके से आप मसाज देंगे तो आपका मेकअप उतर जाएगा। उसके बाद आपको फेस वॉश करना है, ठीक है। नेक्स्ट आती है मिशेलर वाटर। ये बहुत अच्छा है और हाईली हाईली रिकमेंडेड है, आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। और हाँ, आप बहुत ज़्यादा, जैसे अभी है, मैंने इतना सारा मेकअप किया तो मैं थोड़ा थक गई, या फिर आप कहीं पार्टी में जा रही हैं, या तो फिर कहीं शादी वगैरह आप उधर से रिटर्न होकर आते, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आपको मन नहीं होता। जैसे मन तो होता है वैसे ही सो जाए, बिल्कुल मन नहीं करता सब उतार के, लेकिन कैसे जैसे तैसे उतार के हम लोग सोते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही सब कुछ पहन के सो जाती जब मुझे नींद आता है। तो मैं कई बार मैं लहंगा साड़ी सब पहन के सो गई हूँ, तो मेरी तरह आप नहीं बनिएगा, क्योंकि मेरे कुछ कपड़े भी ख़राब हो गए सोने की वजह से। तो ये जो आप इसे, आपको कुछ ड्रॉप्स इसके आपको लेने होते हैं इसके फेस पे, कुछ इस तरीके से आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे और थोड़ा देर तक आपको रखना है अपने जो भी मेकअप है। इसके बाद आपको स्वैप कर देना, उसके आपके सारे मेकअप निकल जाएंगे। और हाँ, ये करने का आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेकअप निकल जाती है, आपकी स्किन भी मॉइस्चराइज होती है। लास्ट और फिफ्थ मैं भूल गई थी, DIY आपको क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा DIY करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक क्लीन मतलब डब्बा ले लें खाली, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब ये रोज़ वाटर यूज़ करना, आपको गुलाब जल इतना लेना है, लाइक आपको जितना ग्लिसरीन और गुलाब जल का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको, मैं यहाँ पे ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटी केयर का ग्लिसरीन है, तो कुछ इस तरीके से इसमें आप पुट कर दें, ठीक है। डैट्स इट, आपका ये 2 स्टेप्स हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा एलोवेरा जेल, जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, तो इसमें एलोवेरा जेल भी यूज़ कर लेंगे। सारी चीज़ें आप वही मानो, मतलब इक्वल क्वांटिटी आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है। तो बस हो गया, अब इसमें डालिए और मिक्स कर दीजिए। मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इन्फ्यूज़ होने के लिए थोड़ा देर आप छोड़ सकते हो। डैट्स इट, अब मैं आपको दिखाती हूँ इससे मेकअप निकालना, ठीक है। तो ये था मेरा रेमेडी। चलिए अब थोड़ा सा आपको फेस पे लगा के मैं दिखा ही देती हूँ लास्ट में, ठीक है। तो आपको चाहिए होगा एक कॉटन पैड, थोड़ा सा क्वांटिटी कम थी, थोड़ा सा मैं ऐड कर ली फिर से ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हाइड्रेशन भी करता देता है आपकी स्किन को। तो चलिए पहले एक एक करके, यहाँ पे मैं कुछ कॉटन ले रही हूँ, ये स्पेशली मेकअप निकालने के लिए आते हैं। मेकअप कितना बढ़िया हुआ है, बिल्कुल भी पैचेस नहीं, कितनी प्यारी मेकअप हुई है। अगर इसका आप मेकअप ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वो देख सकते हैं। और कोई भी, मैं करवा चौथ पे की थी, आप चाहो तो किसी ओकेजन पे आप ट्राई कर सकते हैं, लाइक शादी हो उसमें आप ट्राई कर सकती हैं, या तो फिर न्यूली मैरिड, अगर दिवाली पे नथ हटा करके और सारे मेकअप तो कर ही सकते हैं, थोड़ा ज्वेलरी कम पहनना, ठीक है। कॉटन पैड में प्रोडक्ट थोड़ा कम ऑब्जर्व करता है, तो डैट्स इट, आपको इसमें डुबा देना है, ठीक है। आप ये देखो, थोड़ा मेशी हो जाएगा, मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। तो आप देखो, मेरे रुई में ये बिल्कुल लग चुका है, निकल चुका है। आपको ये पोर्शन मैं पूरा अच्छे तरीके से, सॉरी रुई थोड़ा मैं कम ले ली थी,
इस तरीके से ऑन कैमरा कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे हटाने में। तो अब देख लो मेकअप रिमूव हो चुका है। ऐसा नहीं है, ये सब जो भी है मैंने आपको चार तरीके जो मैंने बताए आपको, इसके बाद फेस वॉश भी करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है मेकअप जब उतारेंगे तो आपको फिर से स्किन का जो आपका रूटीन है डेली का वो आपको फिर से आपको करना पड़ेगा, उसका जो रूटीन है। लेकिन ये करने के बाद आपका एक रात लगभग चल सकता है क्योंकि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी कर देता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह के और भी न्यू वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, अगर इस चैनल के आप फैमिली मेम्बर बनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इस चैनल के फैमिली मेम्बर बनना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और हाँ, इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए। और हाँ, सारे प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप चाहो तो अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको लगभग लोकल मार्केट में भी ईजिली मिल जाएंगे। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और बेहतरीन शर्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।